नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ मंडला आयुक्त विजय विश्वास पंत व जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अस्थायी नेहरू हॉल में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय आधुनिक गोष्ठी का सोमवार को दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मंडला आयुक्त श्री पंत ने कहा कि किसानों को अपनी आर्थिक उत्थान के लिए पारंपरिक खेती पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इस विकल्पों जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन आदि विकल्पों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती में बदलाव करने नुकसान की संभावना कम तथा लाभ के अवसर अधिक होते हैं। मंडला आयुक्त श्री पंत ने गोष्ठी में उपस्थित किसानों से कहा कि खेती में बदलाव प्रति भयभीत या शशांकित न होने की जरूरत नहीं, बल्कि विशेषज्ञों से राय मशवरा और समुचित जानकारी लेकर इस दिशा में निसंकोच आगे बढ़े और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। श्री पंत ने कहा कि इस जनपद आजमगढ़ की भूमि में पानी सोखने की रफ्तार काफी कम है, इसलिए यहाँ मत्स्य पालन भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी बागवानी के लिए काफी माकूल है, इसलिए भी इस बीच निसंकोच अपना जा सकता है। मंडला आयुक्त ने कहा कि इस प्रकार की गोष्ठियां आयोजित कर अधिक से अधिक किसानों को पारंपरिक खेती में बदलाव के प्रति जागरूक किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार।